से आए हो? यूपी से है, बरेली। बरेली बस में कितनी सवारी है? 70-80 सवारी है। कहाँ जाओगे? माल से। यहाँ कैसे रुके? यहाँ यही रुके, बॉर्डर पे क्रॉस में हो दिया, फिर ये वापसी कर दिया बॉर्डर पे से। तो किसने बुलाया था आपको? ये मैं ड्राइवर हूँ गाड़ी का, लेकिन ये सवारी को उन्होंने बुलाया था, ठेकेदार ने किसी ने। फैक्ट्री में जा रही है वापसी सवारी। फैक्ट्री में जा रही है किसी खेत में। हमारे लोगों ने भेजा था कि वहाँ पे, तो हमने इन्हें लेके यहाँ आ गए, तो हमें यहाँ से बॉर्डर क्रॉस नहीं कर दिया, तो हम इन्हें वापसी लेकर आ रहे हैं। हम इनसे सुबह से कह रहे हैं या तो वापसी चलो या अपने मालिकों को बुलाओ, हाँ तो ना वापसी जा रही है ना मालिकों को बुला रहे। सुबह कितने बजे पहुँच गए यहाँ पे? यहाँ 12 बजे पहुँच गए। आपने मानता पंजाब थाने में गए थे और उन्होंने कहा भी एक बस आ रही है यूपी में जिसके अंदर 100 आदमी हैं और वो कोट भत्ता मानसा जाना चाहते हैं, जो कि बॉर्डर पंजाब पर उसको जाने से रोक दिया गया और वो रतिया की सीमा कमाणा मोड़ पर खड़े हैं। हमने आकर इनको पूछा भी आप कैसे खड़े हो, तो ये कहने लगे भी हम कोट भत्ता मानसा जाना चाहते हैं। फिर हमने कोट भत्ता मानसा जिनके पास इन्होंने जाना था उनसे बातचीत की, वो कहने लगे भी हम नहीं आएंगे, इनको वापस भेज दो। हम इनको अब वापस भेज रहे हैं। ये कहाँ से आए थे जी? ये आ रहे हैं जी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश और गढ़गंगा जिला हाफुड़ से। जाना कहाँ था इन्होंने? हाँ जी, जाना कहाँ था इन्होंने? ये जाना चाहते थे कोट भत्ता मानसा जी, ये जाना था, लेकिन इसका जिनके पास जाना था वो लेने से नाट गया, जाने नहीं दिया। जानी